Students, today we will start continue chapter number 5, creating a web page using HTML. तो आज हम लर्न करेंगे इंसर्टिंग इमेज, देन आफ्टर इमेज एट्रीब्यूट जिसका नाम है ऑल्ट, मतलब कि हम ऑल्ट अल्टर यूज करेंगे, देन आफ्टर हॉरिजॉन्टल रूलर, फिर उसमें कलर यूज करेंगे, क्रिएटिंग अ टेबल इन HTML, क्रिएटिंग अ लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट, एंड देन आफ्टर हाइपरलिंक्स। तो ये पूरा हम आज वर्क करेंगे, तो प्रैक्टिकली सब कुछ हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने नोटपैड ओपन किया है, उसमें HTML हेड, देन आफ्टर टाइटल, टाइटल में मैंने इमेज लिखा है, टाइटल ओवर, हेड ओवर एंड बॉडी। तो बॉडी का ये एट्रीब्यूट है बीजी कलर, बीजी कलर इज द एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पिंक। ओके, पिंक कलर मुझे बैकग्राउंड में चाहिए, तो मैंने लिखा है पिंक। और फिर मैंने img टैग लिखा है, इमेज का टैग है img, और उसका एट्रीब्यूट है src, src मतलब सोर्स। ओके, देन आफ्टर इक्वल एंड डबल कोट शिफ्ट के साथ करने हैं, तो मैंने दो ही करी दिए हैं। अब यहाँ पर मैं मिडल में एरो अपना कर्सर रखूँगी, यहाँ पर मैंने कर्सर रख दिया, तो यहाँ पर मिडल में कर्सर दो इस साइड, दो इस साइड, तो मिडल में कर्सर रखा है। तो अभी मुझे इमेज कहाँ पर है मेरी, तो वो मुझे सोर्स यहाँ पर रखना है, मतलब उसका पूरा पाथ। ओके, तो मैं कहाँ पर जाऊँगी, तो मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करूँगी यहाँ पर, फिर मुझे पता है कि कहाँ पर इमेज होगी। तो मैंने रखा है इस इमेज को, या तो फिर आप अपने माई कंप्यूटर के माई पिक्चर्स में भी ले सकते हो। तो सपोज मुझे ये वाला कोई पिक्चर्स चाहिए, ओके, तो ये पिक्चर चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगी, इसकी कॉपी कर दूँगी। तो पहले मुझे राइट क्लिक करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करूँगी, प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक किया, और जो यहाँ टाइप ऑफ फाइल है उसके नीचे यहाँ पर ओपन विथ है, और उसके नीचे लोकेशन है, तो ये लोकेशन पूरा है मैं कॉपी कर दूँगी, यहाँ से यहाँ तक का पूरा कॉपी, लोकेशन कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी करेंगे कीबोर्ड में से, और फिर नोटपैड में जाकर यहाँ पर हमें क्या करना है, कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे, तो ये पूरा आ गया। कहाँ पर था पिक्चर, सी ड्राइव में, यूजर्स के अंदर, PC 39 में, और उसके अंदर ये पिक्चर्स है। तो पिक्चर का नेम क्या है वो हमें लिखना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका नेम लिखने के लिए एक स्लैश करेंगे, इसको बोलते हैं स्लैश। ये कौन सा स्लैश है, फॉरवर्ड और बैक स्लैश, दो स्लैश होते हैं, ये बैक स्लैश है। यहाँ पर जो हमने किया है स्लैश वो क्या है, फॉरवर्ड स्लैश। यहाँ पर सभी जगह कौन सा स्लैश है, बैक स्लैश, तो ये करेंगे। और फिर इमेज जो हमने ली है, तो इस इमेज का नेम क्या है, ओके, तो ये नेम कौन सा है, तो वो हमें देखना है। सपोज मैंने लिया था ये वाला, ओके, और इसका नेम मुझे पता नहीं क्या है, तो मैं क्या करूँगी, इसको रीनेम कर सकती हूँ, या तो फिर यहाँ प्रॉपर्टी में इसका नेम ओ आ गया है, देखो यहाँ से, तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। और देख लेना है कि कौन सा एक्सटेंशन लगा हुआ है, jpg.jpg, ये आप देख सकते हो। तो इसको मैं पहले कॉपी कर लेती हूँ कंट्रोल सी, और नोटपैड में जाकर कंट्रोल वी। ओके, तो यहाँ पर मैंने कर्सर रखा है, यहाँ पर ही कर्सर है, कंट्रोल वी कर दूंगी, तो ये नाम पूरा आ गया। बट ये नेम तो आ गया इसमें, बट क्या करना है, हमें एक्सटेंशन देना है। ऑलवेज फोटो जब आप लेते हो तो उसके एक्सटेंशन होते हैं, कोई भी फाइल या कंप्यूटर में हो या फिर फोन में, तो एक्सटेंशन बगैर फाइल होती नहीं है, वो हमने 7th स्टैंडर्ड में भी लर्न किया था। तो अभी इसका फोटो का एक्सटेंशन है jpg, क्या है jpg, ये देख सकते हो आप, ठीक है, तो ये पूरा हो गया। ओके, बट मुझे ये पिक्चर कहाँ पर चाहिए, तो सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक और टैग दे देती हूँ एंटर करके, किससे पहले, img के पहले, क्योंकि मुझे सेंटर में ये चाहिए, तो मैंने सेंटर टैग दे दिया यहाँ पर, सेंटर। ओके,
तो सेंटर ओवर कहाँ करना है, तो आईएमजी के बाद, क्यों, तो कि आईएमजी बीच में आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर मैं ओवर कर रही हूँ, टेक सेंटर ओवर किया मैंने, ओके। और फिर अभी कौन सा ओवर करना है, बॉडी ओवर करना है, तो बॉडी ओवर करेंगे हम यहाँ पर, और फिर एचटीएमएल ओवर कर देंगे, डन। अब हम क्या करेंगे, फाइल को सेव कर देंगे, एज इट इज फाइल को सेव करना जरूरी है। तो कहाँ करना है, मुझे 8th स्टैंडर्ड में ही करना है, और फाइल का नेम मैं दे दूंगी इमेज, आईएमजी भी दे सकते हैं, कुछ भी आप रिलेटेड जो होता है, कोई पिक्चर जो लेते आप उसके रिलेटेड भी आप रख सकते हैं। तो मैंने img.html, तो ये करना जरूरी होता है। और फाइल को हम क्या करेंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे, चलो सेव हो गया। अभी मुझे क्या करना है, तो मैं फोल्डर मेरा ओपन ही है, तो यहाँ से मैं माय कंप्यूटर में जाऊँगी, इंग्लिश मीडियम ई ड्राइव, देन आफ्टर 8th स्टैंडर्ड, 8th में किया ना हमने, तो 8th में करेंगे, यहाँ पर 8th है, इसको ओपन करेंगे, और ये आप देख सकते हो फाइल। अच्छा, मुझे इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन नहीं करनी है अभी, ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करके, यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट क्लिक करके मैं क्या करूँगी, राइट क्लिक करके मैं इसको ओपन विथ में जाऊंगी और गूगल ब्राउजर में ओपन करूंगी, ये गूगल क्रोम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज आ गई, ठीक है, वो भी कहाँ पर आई है, सेंटर में आई है, आप देख सकते हो, ओके। अभी मुझे इसको थोड़ा नीचे करना होता है, तो मैं यहाँ से थोड़ी स्पेस छोड़ दूंगी, या तो फिर हमें कौन सा टैग चाहिए, BR टैग, तो यहाँ पर मैं BR टैग दे देती हूँ, तो मुझे बीच में मिल जाएगा, तो ये मैं 2-3 बार दूंगी BR टैग, BR, ओके। अभी कंट्रोल एस करेंगे, क्योंकि ये हमने मॉडिफाई किया है, और यहाँ से मैं अपना ब्राउजर ओपन कर दूंगी, ये ओपन तो अभी तो हुआ नहीं है, क्यों नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ के हमने ये रीलोड नहीं किया है, यहाँ से रीलोड भी कर सकते हैं, या फिर F5 की प्रेस करके रिफ्रेश कर दे, तो 3 बार किया है तो इतनी स्पेस हुई, तो ये हमारा हुआ इमेज टैग, ओके। और इमेज टैग के साथ आप एट्रीब्यूट्स भी डाल सकते हो, तो एट्रीब्यूट्स कौन सा डाल सकते हो हम, तो यहाँ पर हम साइज भी एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, ओके। तो साइज एट्रीब्यूट डालेंगे तो भी यहाँ पर ये इमेज थोड़ी बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, तो हम इसको हम ऐसे वर्क करेंगे, ठीक है। अभी सपोज ये इमेज नहीं आ रही है, तो कुछ लिखा होना चाहिए कि ये इमेज यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मैं नोटपैड यहाँ पर ओपन किया और एक एट्रीब्यूट डाल दिया यहाँ पर लास्ट में, कौन सा एट्रीब्यूट डालना है, ALT, फिर ALT तो कर दिया, इक्वल साइन करके डबल कोट में हम लिखेंगे, डबल कोट में लिखेंगे पिक्चर इज नॉट सपोर्टेड, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर आप जो इमेज का नेम है वो भी लिख सकते हैं, बट कंट्रोल एस कर देंगे और अब हमारी फाइल ओपन करेंगे, ये ब्राउजर में है वो F5 करेंगे, यहाँ तो ऐसे ही आया, क्यों, बिकॉज ऑफ के अभी तो पिक्चर आ रहा है, सपोज यहाँ पर मैंने कुछ एक्सटेंशन गलत लिख दिया, JPG की जगह है ऐसे कर दिया, एक्सटेंशन गलत करे, कुछ भी गलत कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हो गया है तो कंट्रोल एस, अब हम खोलेंगे, F5 की प्रेस करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, पिक्चर इज नॉट सपोर्टेड बिकॉज ऑफ के, आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया था, तो एड्रेस में कुछ चेंजेस कर दिए थे, मतलब एड्रेस में कुछ गलत हुआ था मेरा, तो मेरे से गलत होने के बावजूद ये इमेज नहीं दिख रहा है, बट क्या दिख रहा है, जो ओल्ड मतलब कि अल्टर के बाद अल्टर में जो लिखा है वो दिखाई दिया।
अभी मैं सही कर दूंगी, JPG कर दूंगी और कंट्रोल एस और अल्टा टैप करके ओपन करूंगी और F5 की, ये आप देख सकते हो ये आ गया, बट जो लिखा हुआ है वो नहीं आया, क्योंकि ये अगर आपका जो इमेज है वो नहीं आएगा तो ही ये आपने जो लिखा है ऑल्ट एट्रीब्यूट में वही दिखाई देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज HR टैग। चलो यहाँ पर एक लाइन चाहिए हमें पूरी, तो हम कैसे करेंगे, नोटपैड अगेन ओपन कर सकते हैं। नोटपैड ओपन करके यहाँ पर मैं कर दूंगी इसको फॉर्मेट में से, यहाँ फॉर्मेट है वर्ड रैप करने से क्या होगा कि वो ये फॉन्ट नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा लाइन में एक लाइन में से थोड़ा नीचे की लाइन में आ गया, तो इसे वर्ड रैप होता है ये, बट नोटपैड के लिए ही है, ये हमारे HTML वेब पेज के लिए नहीं है। अब हम यहाँ पर करेंगे HR टैग, HR इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल रोलर, तो BR का क्या था ब्रेक रो और ये है HR। ओके, HR में एक एट्रीब्यूट दे देते हैं हम, HR का एक कलर एट्रीब्यूट दे देंगे COLOR, इक्वल साइन करेंगे इक्वल टू, देन आफ्टर डबल कोट और उसमें हम कलर कुछ भी दे सकते हैं, सपोज ब्लू, और डबल कोट ओवर कर दिया। ओके, अब कंट्रोल एस करेंगे और अल्टर टैब करके मैं ओपन कर रही हूँ नोट पे नहीं ब्राउजर, F5 की प्रेस कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग टेबल इन HTML। तो टेबल हम क्यों यूज करते हैं, कुछ भी हमें डिवाइड करना होता है डेटा को तो हम टेबल के थ्रू वर्क करते हैं। ओके, अ टेबल इज डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स, तो रो और कॉलम में हम उसको डिवाइड करेंगे और पूरा ब्राउजर होता है, तो हमें सपोज टेबल्स यूज करेंगे तो पूरा ये ब्राउजर है अपने आप वो डिजाइनिंग में सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो हम अब टेबल टैग करेंगे, तो उसके लिए हमें नोटपैड फिर से ओपन करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर नीचे ही करूँगी। ठीक है, तो नोटपैड ओपन करके लाइन तो हमारी हो गई है, तो उसके नीचे मैंने टैग दे दिया, अभी एक टैग दे देंगे TABLE टेबल टैग। टेबल के साथ बॉर्डर देनी है तो हम बॉर्डर एट्रीब्यूट दे देंगे यहाँ पर BORDER बॉर्डर, बॉर्डर फिर आप सबको पता है इक्वल साइन करनी पड़ेगी, और फिर बॉर्डर हमें कितनी चाहिए तो वन लाइन, वन बॉर्डर, टू बॉर्डर, तो ऐसे सपोर्ट करेगा, तो सपोज मुझे टू बॉर्डर चाहिए टू लाइन की, यहाँ पर टू लाइन की बॉर्डर चाहिए और हम यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अभी टेबल टैग दे दिया है हमने, स्टार्टिंग विथ टेबल टैग दे दिया है, अब एक हम रो क्रिएट करेंगे। रो क्रिएट करने के लिए हमें टैग देना पड़ेगा TR टैग देना पड़ेगा। ओके, देन आफ्टर हमें देना पड़ेगा कॉलम चाहिए, हमें कॉलम बनानी है तो उसके लिए हमें चाहिए TD टैग, TD और TD यहाँ पर क्लोज किया मैंने, मुझे टाइम टेबल बनाना है, तो सपोज मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी मंडे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया MONDAY मंडे, और यहाँ पर TD ओवर कर दिया, कौन सा टैग ओवर किया TD। ओके, TD ओवर करने के बाद अभी TR ओवर नहीं करना है हमें, हमें ओवर करना है अभी मंडे, देन आफ्टर एक रो क्रिएट की है तो पूरे हेडिंग आने चाहिए, TD1, TD2, TD3 ऐसे पूरा एक रो चाहिए हमें, तो अगेन मैं TD करूँगी यहाँ पर ऐसे, और फिर लिखूँगी ट्यूसडे, TD यहाँ पर क्लोज किया, ऐसे पूरा वीक का हम लिख देंगे।
तो यहाँ पर TR स्टार्ट किया था, TD करके मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और TR ओवर कर दिया। तो ये पूरा वीक का टाइम टेबल क्रिएट किया है, मतलब एक रो में ये सभी हेडिंग आ जाएंगे TD वाले। ठीक है, अब हम दूसरा रो चालू करेंगे, तो इसके लिए फिर से TR टैग देंगे, उसके बाद TD टैग लिखेंगे और यहाँ पर इंग्लिश लिखा और TD ओवर कर देंगे। यहाँ पर TD ओवर, ओके। तो मंडे में फर्स्ट लेक्चर कौन सा है? इंग्लिश। देन आफ्टर ट्यूसडे में फर्स्ट लेक्चर किसका होगा? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया साइंस, और TD ओवर कर दिया। फिर वेनसडे में फर्स्ट लेक्चर कौन सा है, थर्सडे में कौन सा है, फ्राइडे में कौन सा है, सैटरडे में कौन सा है, तो ये पूरा हम लिस्ट यहाँ पर कर देंगे। तो ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर इंग्लिश, साइंस, SS, ग्रामर, हिंदी, कंप्यूटर और देन आफ्टर TR ओवर। तो ये हमारी हुई सेकेंड रो। अब हम चेक करेंगे कि क्या हुआ है। तो इसके लिए हमें टेबल ओवर करना पड़ेगा, TABLE टेबल, क्योंकि फोर लेक्चर होते पर मैं आउटपुट देखना चाहती हूँ कि क्या हुआ है। तो टेबल ओवर कर दिया मैंने, और फिर बॉडी और हमारा जो HTML है वो तो ऑलरेडी ओवर है ही यहाँ पर, ओके। तो ये तो हमें ओवर करना नहीं है क्योंकि मैंने फाइल में ही बनाया है। कंट्रोल एस कर दूंगी यहाँ पर, कंट्रोल एस, क्योंकि फाइल तो ऑलरेडी बनी हुई है। और अब मैं ब्राउजर में करूँगी, तो F5 की प्रेस करूँगी तो क्या होगा, जो सेव किया है वो उसको रिफ्रेश करके हमें ब्राउजर में दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा टेबल आया। तो फर्स्ट TR में क्या था, मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और फर्स्ट लेक्चर आया इंग्लिश, साइंस, SS, ग्रामर, हिंदी, कंप्यूटर। तो ये पूरा हमारा टेबल क्रिएट हुआ। ऐसे ही हम फिर से TR देंगे और हम जो सेकेंड लेक्चर है ऐसे ही देंगे, थर्ड लेक्चर देंगे, फोर्थ लेक्चर देंगे, ऐसे पूरा हम टाइम टेबल इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल अभी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 5 लेक्चर का ये पूरा टेबल ऐसे क्रिएट किया, और बॉर्डर मैंने 2 की दी थी, तो यहाँ पर 2 लाइन वाली बॉर्डर आई। सपोज मुझे 1 लाइन वाली बॉर्डर चाहिए, तो मैं नोटपैड में जाकर इसमें हम क्या कर देंगे, बॉर्डर जो है उसको हम कर देंगे 1 बॉर्डर, यहाँ पर 1 कर देंगे। जो 2 लिखा है वहाँ पर क्लिक कर, जितनी भी आपको बॉर्डर चाहिए 1, 2, 3, 4, तो आप उससे उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। और बॉर्डर नहीं चाहिए तो हम बिना बॉर्डर कर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टेबल टेक खत्म हुआ। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिएटिंग अ लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पर मैं फिर से न्यू ले लूँगी और टेक टाइप कर लूँगी। यहाँ पर मैंने टेक सभी टाइप कर दिए है। यहाँ पर आप देख सकते हो HTML हेड टाइटल, तो टाइटल में मैंने टाइटल दिया है लिस्ट, टाइटल ओवर हेड ओवर बॉडी, बीजी कलर दिया है ब्लू। फिर मैंने दिया है UL टैग, मतलब अनऑर्डर लिस्ट, और अनऑर्डर लिस्ट UL टैग देने के बाद मैंने यहाँ पर LI टैग दिया, LI, और LI ओवर किया, LI स्टार्ट और LI ओवर। तो यहाँ पर बीच में मैंने 1, 2, 3, 4 लिख दिया है, और फिर UL टैग यहाँ पर ओवर कर दिया है। अभी मैं करूँगी OL टैग, तो OL टैग में क्या होगा, ऑर्डर लिस्ट, तो उसमें LI टैग दिया है यहाँ पर, और बीच में मैंने जो अपना लिस्ट होता है वो ही लिखा है 1, 2, 3, 4, ऐसे पूरा 5 तक लिख दिया है, आप देख सकते हो। और फिर क्या करना है, OL ओवर और बॉडी ओवर HTML ओवर। हम फाइल को यहाँ से सेव कर देंगे कंट्रोल एस करके, तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और फिर यहाँ पर फाइल नेम में मैं टाइप कर दूंगी list.html। फाइल को रिलेटेड नेम ही देना चाहिए ताकि हम इजीली ओपन कर सके। HTML list.html करके मैंने सेव बटन पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर सेव बटन, ओके। अभी मैं मेरे फोल्डर में ही जाऊंगी जहाँ पर मैंने ये रखा है, तो एस स्टैंडर्ड के फोल्डर में जाकर यहाँ पर लिस्ट नाम का जो है उसको राइट क्लिक करके मैं ओपन करूँगी। मुझे ब्राउजर, गूगल ब्राउजर, गूगल क्रोम में ओपन करना अच्छा लगता है, तो मैं इसमें करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 2, 3, तो ये देखो आप, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या आया,
ये आया पॉइंट। तो मैंने जो बीच में लिखा था वो 1 2 3 4 अनऑर्डर लिस्ट, मतलब कि यहाँ पर जो लिस्ट है वो आप पॉइंट करके लिखते हो, और ऑर्डर लिस्ट में क्या हुआ देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर नंबरिंग सिस्टम आया। 1 2 3 4 तो मैंने बीच में लिखा ही था, वो तो आप जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। लिस्ट हम बनाते हो तो आप सबको पता है कि लिस्ट कैसे बनता है, तो नंबरिंग सिस्टम से बना सकते हो या तो फिर यहाँ पर आप ऐसे डॉट करके भी बना सकते हो। अभी ये मुझे ये डॉट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सर्कल चाहिए या फिर स्क्वेयर चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। अगेन मैं जाऊँगी नोट पैड में और यहाँ पर UL के साथ में एक एट्रीब्यूट यूज़ कर दूँगी। तो स्पेस छोड़कर मुझे क्या करना है, यहाँ पर टाइप TYPE टाइप लिखना है यहाँ पर, और इक्वल टू साइन करनी है, डबल कोट लिखना है, डबल कोट यहाँ पर करेंगे हम। ओके, तो बाय डिफॉल्ट तो ये पॉइंट आया, अभी मुझे चाहिए सर्कल, तो मैं क्लिक करूँगी CIRCLE सर्कल, कंट्रोल एस कर दूँगी और फिर मेरा जो ब्राउज़र है वहाँ पर ओपन कर दूँगी और F5 की प्रेस करूँगी। आप देख सकते हो कि जहाँ पर जो डॉट थे उसके जगह कहाँ क्या आ गया, यहाँ पर सर्कल। ओके, वैसे ही हम यहाँ पर फिर से मैं नोट पैड ओपन करूँगी और सर्कल की जगह मैं स्क्वेयर कर दूँगी, मैंने कर दिया स्क्वेयर। अभी कंट्रोल एस कर दूँगी सेव करने के लिए, तो एस करने के बाद अल्टर टैप करके ये ओपन करूँगी और F5, तो यहाँ पर स्क्वेयर आ गया। तो टाइप के एट्रीब्यूट, तीन टाइप के एट्रीब्यूट है हमारे, कौन कौन से है वो टाइप में, एक तो है डिस्क जो हमने पॉइंट देखा था वो डिस्क, देन आफ्टर स्क्वेयर जो स्क्वेयर में आता है, और सर्कल मतलब कि पूरा सर्कल होता है, बीच में फिलअप नहीं होता है। तो तीन टाइप के एट्रीब्यूट है डिस्क, स्क्वेयर एंड सर्कल। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज डिस्क होती है, डिफ़ॉल्ट में डिस्क आता है, जबकि हमें टाइप अगर लिखना है तो स्क्वेयर या फिर सर्कल भी लिख सकते हैं। ओके, अभी वैसे ही यहाँ पर OL है, तो OL में भी आप टाइप कर सकते हो। तो स्पेस छोड़ के मैंने TYPE इक्वल टू साइन करके डबल कोट किया। अभी मुझे जो 1 2 3 लिखा हुआ आया है उसको मुझे चाहिए ABC, तो मैंने यहाँ पर A कर दिया है, वो भी स्मॉल लेटर वाला, और कंट्रोल एस कर दूंगी और अल्टर टैप कर दूंगी। यहाँ पर अल्टर टैप करके मेरा ब्राउजर जो है वो ओपन करूंगी और F5 की प्रेस करूंगी। यहाँ पर आप 1 2 3 की जगह क्या आ गया, ABCD। तो आप ऐसे रोमन लेटर में या फिर कैपिटल लेटर में ऐसे जो टाइप होते वो चेंज कर सकते हो। रोमन लेटर में लिखना है तो रोमन लेटर में कैपिटल आई करोगे तो फर्स्ट से स्टार्ट होगा। अगेन अभी टाइप में और एट्रीब्यूट है एक, वो है आप कहाँ से शुरू करना चाहते हो। ओके, सपोज मुझे वो स्टार्ट करना है 3 से या 4 से, तो यहाँ से 3 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर देखेंगे हम कैसे करेंगे। नोट पैड में जाएंगे और स्टार्ट लिखेंगे START स्टार्ट। ओके, देन आफ्टर यहाँ पर मैंने 3 लिखा है, कंट्रोल एस कर देंगे, अल्टर टैप से क्या होगा, जो भी हमने मिनिमाइज किया है वो ओपन होगा, फिर टैप की प्रेस करके सिलेक्ट करना है यहाँ पर देखो, और मैं अल्टर टैप है जो वो प्रेस करके छोड़ दूँगी। अब F5 की प्रेस करेंगे तो स्टार्ट करना था 3 से, मतलब के ABC, तो C यहाँ पर आया, CDEFG, तो ये पूरा हमारा एट्रीब्यूट हुआ UL और OL के। तो OL के ऑर्डर लिस्ट के 2 एट्रीब्यूट है टाइप एंड स्टार्ट, और यहाँ पर UL के टाइप ओनली टाइप है और उसमें भी 3 वैल्यूज है, कौन कौन सी, डिस्क, सर्कल एंड स्क्वेयर। और OL में जो आप वैल्यू डालना चाहते हो, मतलब UL ऑर्डर लिस्ट में जो वैल्यू डालना चाहते हो, तो वो अल्फ़ाबेट भी हो सकता है और नंबरिंग भी। अल्फ़ाबेट में स्मॉल लेटर में ABCD डाल सकते हो और कैपिटल में भी डाल सकते हो, और रोमन में भी डाल सकते हो, देन आफ्टर नंबर ओरिजिनल नंबर में भी आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम करेंगे
हाइपरलिंक, जो हम देखते हैं कि सभी वेबसाइट हम क्लिक करते थे एक पेज में से दूसरे पेज में जाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हाइपरलिंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गूगल, विकिपीडिया, देन आफ्टर क्लिक हियर टू ओपन फाइल टू, तो ये पूरे क्या है, यहाँ पर आप क्लिक करते हो तभी हैंड आ जाता है, तो इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। एक फाइल में से दूसरे फाइल में जाने के लिए हमें लिंक देनी है तो हम यूज करेंगे हाइपरलिंक, और इसके लिए हमें टैग देना पड़ेगा एंकर टैग। तो यहाँ पर नीचे से ही मैं स्टार्ट कर दूंगी ओएल के नीचे से, और मुझे देना है हाइपरलिंक का टैग है ए टैग है, और उसके साथ हमें एट्रीब्यूट देना होता है HREF, तो इसको बोलते हैं रेफरेंस। रेफरेंस देने के बाद डबल कोट करूंगी, अभी मुझे गूगल का एड्रेस चाहिए तो मैं यहाँ से ब्राउज में जाऊंगी, या तो फिर www.google भी आप कर सकते हैं, पर जब हम करते हैं तो क्या होता है, हम करते हैं तभी आगे क्या लिखा हुआ आता है, सपोज मैं यहाँ पर www.google.com प्रेस किया मैंने, अब यहाँ पर मैं एड्रेस बार में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर तो पूरा ऐसे HTTP डबल क्लिक करने के बाद https. यहाँ पर आप देख सकते हो कोलन देन आफ्टर फॉरवर्ड स्लैश और पूरा नेम लिखा है, मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगी यहाँ से, और सिंपल है कंट्रोल सी, और नोटपैड में जाऊंगी। नोटपैड में जाने के बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगी कंट्रोल वी कर दूंगी तो ये पूरा एड्रेस यहाँ पर आ गया, ठीक है। अभी इसको मैं ओवर कर दूंगी, तो ये हुआ हमारा गूगल का एड्रेस, मतलब गूगल का पाथ, इसको पाथ भी बोलते हैं। अभी यहाँ पर मैं लिख दूंगी, कुछ लिखना तो पड़ेगा क्योंकि हम जो क्लिक करेंगे तो जो हैंड आता है वो कैसे आएगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा गूगल, और कौन सा टैग ओवर करना है ए, क्योंकि ए टैग हमने स्टार्ट किया है, तो ए टैग ओवर किया और कंट्रोल एस कर देंगे इसे, और फिर हम अल्टर टैप करके ब्राउजर ओपन कर देंगे और F5 की प्रेस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल का आ गया। जब मैं माउस पॉइंटर को यहाँ पर लेकर जाती हूँ तो कुछ नहीं आ रहा है, जब भी मैं यहाँ पर लेकर जाऊँगी तो ऐसे हैंड आ गया, मतलब कि इस साइड से मैं डायरेक्टली ओपन कर सकूँगी गूगल, बट इंटरनेट होना ज़रूरी है, तो इंटरनेट करने के लिए मैंने देखो यहाँ पर क्लिक किया तो गूगल डायरेक्ट ओपन हो गया। वैसे ही आप यहाँ पर विकिपीडिया ओपन कर सकते हो, फिर आपने जो फाइल बनाई है, अभी तक तो हमने बहुत सारे वेब पेज क्रिएट किए तो वो वेब पेज भी हम डाल सकते हैं, ओके। तो अभी फिर से हम मेरा लिस्ट वाला जो है ओपन कर दूंगी, ओके, और नोटपैड में जाऊंगी और मैं अपनी फाइल ओपन करूंगी। यहाँ पर ए टैग करके, ये ए टैग किया मैंने, HREF कर दिया, इक्वल साइन डबल कोट, और फाइल, मुझे फाइल चाहिए, फाइल का पाथ, यहाँ पर मुझे फाइल का पाथ चाहिए, ए टैग HREF देन आफ्टर डबल कोट, इसमें मुझे फाइल का पाथ चाहिए, तो वो आप सबको, हमने इमेज टैग किया तो वो भी आ गया है आप सबको, ठीक है। सपोज मुझे ये मुझे चाहिए ये IMG वाली फाइल, ये फाइल मुझे चाहिए, तो यहाँ पर जो पाथ IMG आप जब ओपन कर रहे हो तो ये पाथ आपको दिखाई देगा एड्रेस बार में। अगर यहाँ पर आपको ओपन में नहीं दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पर क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर जो पाथ है उसको मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाऊंगी, प्रॉपर्टीज में जाके कहाँ पर जाना है, लोकेशन में, तो कंट्रोल सी कर दिया, फाइल का नेम याद रहना चाहिए आप सबको, ओके। तो यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया, अभी कौन सा स्लैश करना है हमें, बैक स्लैश, और फाइल का नेम क्या था, ओके, फाइल का नेम था IMG, सिंपल IMG, तो IMG स्मॉल में है तो स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, जो जैसे हो वैसा ही लिखना है, ये टैग कोई भी सेंड आप लिख सकते हो कैपिटल में या स्मॉल में, बट जो पाथ है वो जिसमें है वही लिखना पड़ेगा, और एक्सटेंशन क्या था HTML, ओके, और इसको हमने क्लोज कर दिया और लिख देंगे इमेज, ऐसे इमेज लिख दिया और ए टैग ओवर कर दिया, ओके।
अब हम कंट्रोल एस करके इसको सेव कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर लिस्ट वाला जो हमने जहाँ पर था वहाँ पर से ओपन करेंगे, ओपन विद गूगल क्रोम। और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इमेज लिखा है, तो ये दूसरा पेज हमारा क्रिएट हुआ। तो इमेज टैग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो IMG इमेज वाली जो फाइल थी वो ओपन हो गई। तो ऐसे हम हमारी जितनी भी फाइल है वो क्रिएट करके हम एक पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे पेज एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके हम हाइपरलिंक से क्रिएट करके हम पेज बना सकते हैं और पूरी साइट भी ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।